तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अभी यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सनी ना मैसेज देख के शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़ स्प्रेड हो रखी होती है। हम देखते हैं वो फटाफट ना सिया को दिखा रही होती है। सिया कह रही होती है, क्या हुआ, ये क्या है? सनी कह रही होती है, जरा एक बार देखो। वो कह रही होती, क्या? अब हम देखते हैं वो न्यूज़ देख के ना शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि भाई न्यूज़ के अंदर दिखा रहा होता है कि जो टेंजन ग्रुप है ना, जो कि 5 साल पहले जो कि ख़त्म हो गया था, अब वो वापस से आ चुका है। अब वो ये देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। कह रही थी कि तियानजन ग्रुप, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं सुना है, मुझे ये सुना सुना सा क्यों लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं सनी भी सोच रही होती है कि ये तियानजन ग्रुप है जो कि एचएन के फादर ने मतलब फाइंड किया था। अब वो सोच रही होती है कि पता नहीं कैसे बिना किसी रीज़न के वो गायब हो गया था। अब वो यही सोच के ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। एक मिनट, ये न्यूज़ कह रहा है कि लीगल जो पर्सन है ना वो एचएन है, मतलब जो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो ईच एंड रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सब देख के ये दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये सिया सोच रही होती है कि ओह शिट, ये तो ईच एन है, ईच एन ने सच बोला था, उसने सच में एक कंपनी फाइंड कर ली, आखिर वो मेरी मम्मी से सच में ऐसे लड़ना चाहता है। अब वो यही सब सोच रही होती है, क्योंकि भाई उसने उसकी मम्मी से प्रॉमिस कर रखा था लड़ने के लिए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें चू फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मीटिंग वगैरह चल रही होती है बाकायदा, और हम देखते हैं मीटिंग रूम में वगैरह सब कुछ हो रही होती है। तभी हमें दिखाई देता है चूसुरन देख रही होती है, कह रही थी कि ओ शिट, तियानजन ग्रुप आ गया, और ये आखिर कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, और इसका मतलब वो पर्सन ईचैन है जो इसे जो इसका ऑनर है। अब वो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। इसके फादर कह रहे होते हैं कि हाँ, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट वगैरह सब कुछ कर लिया है इसके पीछे, और ये वही ईचैन है जो कि 5 साल पहले लेक के अंदर मारा गया था। अब हम देखते हैं यही बात बोल रहे होते हैं कि जो लेक के अंदर गिर गया था, मतलब डूब गया था। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहे होते हैं, कह रहे थे कि ये रही उसकी प्रोफाइल पिक्चर। अब हमें ईचन की फोटो वगैरह दिखाई दे रही होती है। ये लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। चूसरन कह रही थी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ये वॉरियर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ईचन है, लेकिन आखिर इसने मार्शल आर्टिस्ट कहाँ से सीखा, आखिर ये कब से बन गया, ई फैमिली कब से मार्शल आर्ट्स बन गई। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन कह रहे होते हैं कि हाँ, तुम्हें पता भी है ये जो ग्रुप बना है ना, टियानजन ग्रुप जो कि बनाया है, किन्हीं ग्रुप के ऊपर बना है, लाइक पहले यहाँ पे क्यों ही ग्रुप हुआ करता था, और इन लोगों ने उन सबके लास्ट के ऊपर ये ग्रुप बनाया है, तो तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है। अभी पर्सन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है, कह रहा था कि तुम्हें पता भी है एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये सब होने का क्या मतलब होता है, उन लोगों ने इसके लास्ट के ऊपर बनाया है। सोचो यहाँ पे क्यों नहीं ग्रुप जो कि इतना बड़ा ग्रुप था, और इसे क्यों नहीं जो मैन है वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए, फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ, मुझे रास्ता चाहिए कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम देखते हैं अंकल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि भाई उन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता। फिलहाल चूसुरैन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, और वो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे लगते हैं कि देखो चूसुरैन, देखो मैं तो भूल ही गया था, पहले मेरे को पता है कि जो ईचैन था वो तुम में इंटरेस्टेड था, है ना, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है नहीं कि वो इस लायक है, और मुझे लगता है ना कि वो उसे बस एक पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है, उसके पीछे एक्चुअली में कोई और है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम बस इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, ठीक है, हमने पता लगाया है कि तियानजन ग्रुप को ना सैन हुआ ने बनाया है, ठीक है, लाइक उसी ने सारी मेहनत वगैरह करी है और वही है। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रहे होते हैं कि पहले लेकिन हमें पता है कि जो सैन हुआ था ना उसे कैंसर वगैरह हो गया था, और कोई आया और उसने उसे बचा लिया, तो इसी वजह से ना उसे लगता है कि इसे ईचैन ने हेल्प करी है, और जो तियानजन ग्रुप है वो इसीलिए उसकी हेल्प कर रहा है, और कोई रीज़न नहीं है, बट मैं उसे बता दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि वो कल कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, जब कोई जाएगा ही नहीं उसके बिजनेस में। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सिया फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं आंटी जो कि बैठी हुई होती हैं वो न्यूज़ देख रही होती, कह रही थी कि ओह हो, तो ये हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब, खैर सपने देखते रहो। हम देखते हैं आंटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि भाई उन्हें लग रहा होता है कि नहीं, ये सिया फैमिली को टक्कर दे सकता है, बट हम देखते हैं वो कहने लगती है कि जरा देखो तो, वैसे तुम्हें अवेयर होना चाहिए इस बारे में। फिलहाल अपने बॉडीगार्ड से बात कर रही होती है, वो कहने लगती है कि देखो तुम फटाफट सबको मैसेज डाल दो कि जो भी इस ग्रुप को फ्लावर वगैरह देने के लिए जाएगा वो हमेशा के लिए सिया फैमिली का दुश्मन कहलाएगा। अब वो ये बात बोल देते, कह रहे थे कि कोई भी कंपनी नहीं जानी चाहिए उनकी सेरेमनी में, ठीक है। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है मैम, मैं समझ गया। हम देखते हैं वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैडम चाहती हैं कि जो टेंजन ग्रुप है ना उसे मतलब ध्वस्त करना चाहती हैं, आखिर क्यों वो पता नहीं, लेकिन फिर भी सैन और जो बीमिंग ग्रुप है वो जरूर इन्वॉल्व होंगे, खैर पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ईचैन होता है ना वो अभी भी कल्टीवेट वगैरह कर रहा होता है, और दबा के प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है। फिलहाल उसके शरीर से ना बहुत खतरनाक वाला ऑरा निकल रहा होता है, जो कि बहुत खतरनाक की एनर्जी होती है। तभी हम देखते हैं उसके पास सैन का कॉल आता है, वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो
हाँ अंकल सैन बताओ क्या हुआ। अब वो पूछ रहा होता है कि हाँ अंकल सैन बताओ हुआ क्या। वो अंकल बता रहे होते हैं कि देखो मेरे को पता था यही होने वाला है। वो बताने लगते हैं कि जो सिया फैमिली है ना और जो चू फैमिली है उन लोगों ने न्यूज़ स्प्रेड किया है, लाइक रिलीज़ किया है कि हमारी फैमिली में हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं आएगा। और बड़ी बड़ी वैन ल्यू और जाओ जो बड़ी बड़ी तीन फैमिली है ना जैन चेंग की, वो भी नहीं आने वाली। उन लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट कर दिया है और हमें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। तो मुझे लगता है ना कि कल कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई भी आया इसका मतलब वो सिया फैमिली और जो बाकी की बड़ी बड़ी तीन चार फैमिली है ना उन्हें ऑफेंड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अंकल ये सब बातें बता रहे होते हैं, कह रहे होते कि ये सब चल रहा है और जो कि मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था। तुम इतने काम कैसे दिखाई दे रहे हो बताओ, कुछ करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम फिर फ्यूचर में कभी काम नहीं कर सकते ऐसा चलता रहा तो। और आखिर तुम क्यों नहीं किसी और टाइम पे ओपन करो। अब हमें सैन अंकल बहुत ज़्यादा वरीड वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं, बट हम देखते हैं एचन कह रहा होता है कि देखो टाइम वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो लोग बायकॉट कर रहे हैं तो कर लें दो, उन्हें कर लें दो, जो करना कर लें दो, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो ठीक है, तुम चिंता मत करो। और जो ओपन है वो तो कल ही होगा और मैं ऐसे टेंजन ग्रुप को ना ऑर्डनरी टाइप में ओपनिंग नहीं करवाने वाला ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ओपनिंग है वो फैंटास्टिक तरीके से ओपन हो, तुम चिंता मत करो सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ठीक है। ईचन हम देखते हैं फ़ोन वगैरह काट देता है। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी होती है और हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है, वो वापस से आ चुका होता है, कह रहा होता है कि हेलो मैं वापस आ गया। और हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर आता है ना वो सोच रहा होता है कि जो ई लिंक है ना उसने सारी मतलब सब कुछ तो रेडी कर दिया है बट फिर भी। बट हम देखते हैं वो जैसे अंदर आता है वो देख के ना सौगड़ हो चुका होता है, क्योंकि भाई हम देखते हैं वो सनी और जो सिया होती है वो दोनों इसके पास आ चुकी होती है। सनी कह रही होती है कि आखिर तुम थे कहाँ 2 दिन से, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया तुमने उठाया ही नहीं। सिया कहने लगती है कि हाँ और कहीं तुम सच में टेंजन ग्रुप के ऑनर हो, बताओ सच है ये। अब वो उससे क्वेश्चन कर रही होती है। ईचन कह रहा होता है कि हाँ एक्चुअली मैं सच्ची है, वैसे भी आफ्टर ऑल वो मेरी फादर की कंपनी है ना, तो जाहिर सी बात है मैं उनका बेटा हूँ तो मेरी ही कंपनी हुई। फिलहाल हम देखते हैं इतना जैसी बोलता है ना वैसे ही हम देखते हैं जो सिया होती है वो उसे हक कर लेती है और वो कह रही होती है कि देखो मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मेरी जो मम्मी है वो सिया फैमिली का ऐसे यूज़ करेगी, वो चाहती है कि तियानजन ग्रुप शट डाउन हो जाए। मैंने उन्हें कई बार कॉल भी किया और उनसे बोला भी लेकिन फिर भी वो ऐसे ही करना कर रही हैं। और पता नहीं मैंने उनसे बोला कि जो ई चैन है ना वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, उसने ये ग्रुप को बनाने के लिए जी जान से मेहनत करी है लेकिन फिर भी वो चाहती है कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो बंद हो जाए, मुझे माफ़ कर देना ये सारी मेरी गलती है। फिलहाल हम देखते हैं जो सिया होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बट हम देखते हैं ईचन कह रहा होता है कह रहे देखो अब तुम अपने आप को ब्लेम मत करो ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं किया है पागल। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें सच में अपने आप पर ब्लेम करना है ना तो बस मुझे एक छोटा सा केस कर दो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं जो ईचन होता है वो नॉटी वाली हरकतें कर रहा होता है और गाल पे किस वगैरह मांग रहा होता है, बट उसे नहीं पता होता है कि जो सिया होती है वो उसे एक्चुअली में किस कर देगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो उसे चुपचाप आके किस कर लेती है। अब वो बंदा तो बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो चुका होता है। सिया कह रही होती है कि देखो अब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है बताओ, हाँ मैं बहुत क्लोज आ गई थी ना तुम्हारे। फिलहाल जो ये सब होते हुए ना जो सनी है वो बेचारी देख नहीं पाती, कह रही होती है क्या ये लोग इस टाइप के रिलेशनशिप में भी आ गए, बेचारी का दिल टूट जाता है यहाँ पर। बट हम देखते हैं इचन कह रहा था कि हाँ मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ, तुम चिंता मत करो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और कल का सीन स्टार्ट हो चुका है, लाइक इनकी जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम देखते हैं यहाँ पे भाई सच में कोई भी नहीं आया होता। सैन बेचारा अकेले खड़ा होता है, कह रहा होता है कि देखा जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ मैं ही खड़ा होकर देख रहा हूँ। कम ऑन मास्टरी, मैं अपने आप को एम्बेरस फील नहीं करवाना चाहता। अब हम देखते हैं अंकल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तभी हमें दिखाई देता है कि जो उनका दोस्त होता है ना वो आता है। अब वो आके कह रहा होता है कि अरे सैन हुआ तुम। फिलहाल हम देखते हैं वो आके इसे भड़कने लगता है, वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सैन कह रहा होता है कि जाओ यू चैन, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, हाँ थैंक गॉड तुम आए, तुम 10 साल की दोस्ती को जरूर रखोगे, सच में इंपॉर्टेंट चीज़ यही तो होती है। फिलहाल वो हाथ मिला रहे होते हैं बट हम देखते हैं वो जो बूढ़ा जो लड़का जो आदमी होता है ना वो उसे हाथ ही मिलाने के लिए मना कर देता है, मतलब जो इसका दोस्त है। वो कह रहा होता है कि देखो हम लोग भाई भाई हुआ करते थे ठीक है, तुम मुझे ब्लेम मत करो, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम रुक जाओ, और तुम क्या ई फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो बताओ, क्यों हेल्प कर रहे हो, देखो तुम कुछ भी नहीं कर सकते इनकी हेल्प करके। फिलहाल हम देखते हैं ईचन आता है, वो कह रहा होता है अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। अब ईचन जैसे इन लोगों के पास आता है ना वो जो सैन होता है वो कह रहा था कि मास्टर ही, अब वो मास्टर करके बुला रहा होता है इसे। फिलहाल उसके दोस्त को ये बात थोड़ी बुरी लग जाती है। ईचन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है हमारी कंपनी के लिए। फिलहाल वो उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है सैन को। फिलहाल वो कह रहा होता है कि मास्टर आप फाइनली आ गए। अब वो जैसे ही मास्टर बोलता है ना इसके दोस्त को बात बुरी लग जाती है, वो कह रहा होता है क्या तुम बच्चे को मास्टर बोल रहे हो, अरे क्या हुआ तुझे बीमार बीमार है क्या, हेलो सैन जिंदा है ना तू, मर तो नहीं गया।
क्या तो स्टूपिड हो चुका है जो तो बच्चे को मास्टर बोल रहा है। बट हम देखते हैं सैन यहाँ पे चिढ़ जाता है। वो कह रहे थे कि जाओ यू चैन, देखो तुम यहाँ पर आ गए हो तो थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। मैं नहीं चाहता कि मास्टर को कोई ऐसे बोले, ठीक है, और अगर तुम नहीं आना चाहते तो तुम जा सकते हो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिलहाल वो पर्सन जो बोल रहा होता है कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए, बट तुम्हारा ऐसी एटीट्यूड रहेगा ना तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट साइन नहीं करने वाला। वो कह रहा था कि इस साल हमारा 3 कॉन्टैक्ट पेपर कैंसिल होता है। सैन कह रहा होता है कि हाँ कैंसिल होता तो कैंसिल होता है, कुछ मिलन के लिए मैं और इन मास्टर जी को धोखा नहीं दे सकता। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, मेरे से मिल मत जियो। ये पर्सन कह रहा था कि फूल मत बन, ठीक है, सिया फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है तो मारा जाएगा। बट हम देखते हैं वो ये बात बोल के जाने लगता है, और हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सैन बात कर रहा होता है कि मास्टर ही देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कोई भी नहीं आएगा, अब हमें क्या करना चाहिए, देखो उन्हें जरा इस करंट सिचुएशन को देखो, कोई भी नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए। ईचन कह रहा था कि इट्स ओके यार, तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं हमें चूसुरैन भी दिखाई दे रही होती है, और हम देखते हैं वो जो मोटा आदमी था ना वो वापस से इस पर्सन के पास आ चुका होता है। वो चूसैन के पास ही आता है। वो कह रहा था कि देखो 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और देखा मैंने कहा था ना कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तक तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई कंपनी नहीं आई, और अब मुझे लगता है नहीं कोई आ पाएगा, खैर ये लोग तो मरे। फिलहाल वो यही बात बोल रहा था तभी हम देखते हैं चूसुरैन कह रही थी कि हाँ मुझे भी पता है, ईचन को देखती हूँ मैं कि आखिर वो कैसे इस सिचुएशन को रिवाइव करेगा, देखूँ तो जरा मैं इसे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जो जो फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना जिसकी जान बचाई थी ईचन ने, वो अभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं, ये पैट्रियाज होते हैं जो फैमिली के। फिलहाल हम देखते हैं उनका जो लड़का होता है और जो नंबर 1 और जो नंबर 2 है ना, ये दोनों बस डरी हुई नज़रों से देख रहे होते हैं उन अंकल को। फिलहाल वो अंकल अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद उनके पास आते हैं, कह रहे थे कि हाँ फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया, चलो टाइम जाए जा रहा है ना, है ना, है ना। वो अपना पसीना वगैरह पोंछ रहे होते हैं, अपने बेटे के पास आके बात कर रहे होते हैं। उनका बेटा कह रहा होता है कि हाँ देखो डैड, टियानजन ग्रुप ना स्टार्ट होने वाला है, उनकी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, और कोई भी नहीं आया उनके पास, और मुझे लगता है कि उन्हें बैन करना पड़ेगा, साफ साफ बैन कर सकता हूँ मैं उन्हें। तभी हम देखते हैं अंकल चिढ़ते हैं, कह रहे होते हैं क्या तुम उन्हें बैन करने वाले हो बस इसीलिए कि कुछ कुछ छोटी मोटी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में है, इसीलिए बताओ मुझे टियानजन ग्रुप ने क्या मिस्टेक करी है, बताओ क्या उस कंपनी ने कोई मिस्टेक वगैरह करी है, लाइक उस ग्रुप ने कोई मिस्टेक करी है तो बताओ। फिलहाल हम देखते हैं नंबर 1 और नंबर 2 जो कि जैनचेंग सिटी के नंबर 1 नंबर 2 होते हैं, नंबर 1 कह रहा होता है कि नहीं नहीं बॉस उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं करी। खैर हम देखते हैं नंबर 2 कह रहा होता है कि हाँ आप चिंता मत करो हम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। फिलहाल नंबर 1 कह रहा होता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, बट फिर भी हम टियानजन के पास जा रहे हैं, अगर टियानजन ग्रुप शट डाउन भी होता तो हमें क्या। बट हम देखते हैं नंबर 2 कह रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेयरमैन मुझे सुबह सुबह जल्दी इतनी जल्दी बुला लेंगे, वो भी किस लिए, टियानजन ग्रुप में जाने के लिए। अब हम देखते हैं इन दोनों को फोर्सफुली बुलाया गया होता है जो कि चेयरमैन ने बुलाया होता है। ये पर्सन कह रहा था कि तो फिर तुम दोनों यहाँ पे खड़े क्यों, जाओ जल्दी फटाफट उनकी हेल्प करो ना, चलो जल्दी जल्दी फटाफट जाओ। हम देखते हैं वो दोनों कह रहे थे कि हाँ हाँ हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, वो ये बात बोल के जा चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं उनका लड़का कह रहा होता है कि डैड ईचैन, मैं मानता हूँ ईचैन प्रीसियस है, लेकिन फिर भी अगर हमने उन्हें सपोर्ट किया ना तो फिर हम सिया फैमिली के साथ में रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे हैं, पता है आपको इसका मैटर क्या हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड कह रहे होते हैं कि देखो तुमने इतनी जल्दी जज कर लिया, क्या तुम्हें पता नहीं था क्या ईचैन भी एक तुम्हारी तरह मार्शल आर्टिस्ट है, भूल गए क्या। हम देखते हैं उनका लड़का कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है वो भी है। तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो वो रेयर जीनियस है, तुम्हें पता है वो मार्शल आर्ट्स भी जानता है, साथ साथ में उसे हीलिंग टेक्निक भी आती है, उसके पास एबिलिटी है, तुम तो विटनेस हो ना उसके, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो, पता भी है उसके पीछे का बैकग्राउंड कितना हो सकता है, लाइक वो एक तो वो हम्बल भी है बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं अंकल उसे समझा रहे होते, कह रहे थे कि देखो मुझे लगता नहीं कि आज अगर हम उसके साइड नहीं गए ना तो फिर फ्यूचर में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो यही बात बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने बेटे को कंधे पर हाथ रखते, कह रहे थे कि देखो मैं मानता हूँ कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो सिया फैमिली की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे पास पावर में, लाइक हमारी फैमिली के पास पावर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता नहीं सिया फैमिली हमारा कुछ कर भी सकती है, और वैसे भी जो मर्चेंट होता है ना उसे पब्लिक हरा नहीं सकती, समझे। अब वो यही बात बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहते हैं चलो ठीक है सब कुछ रेडी हो चुका है चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं ये लोग भी मतलब रेडी वगैरह होके और वहाँ पे जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, 9 बज चुके होते हैं, टियानजन ग्रुप ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका होता है, इनकी जो सेरेमनी होती है, बट एक्चुअली में अभी भी यहाँ पे कोई आता नहीं है, और हमें दिखाई देता है कि एक पत्ता उड़ता हुआ आ रहा होता है। फिलहाल जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो भी आ चुके होते हैं साइड में, और कह रहे थे कि हा 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 देखा हमें तो पता ही था कोई भी नहीं आएगा, फिलहाल इन लोगों ने तो बहुत बड़ा मजाक उड़ा दिया पूरी हिस्ट्री में, सच में टियानजन ग्रुप तू तो गया। वो पर्सन कह रहा होता है कि मुझे तो पहले ही पता था कोई भी नहीं आएगा। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग भी आपस में बातें कर रहे होते हैं,
फिलहाल चूसरेन यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही होती, वो कह रही होती कि देखो मुझे लगता नहीं कि हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, मुझे तो पता है कोई भी नहीं आने वाला, जाओ यू चैंग, चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना चूसरेन, वो जाने की बात कर रही होती है, बट हम देखते हैं वो जाते जाते रुक जाती है क्योंकि उसे कोई दो लड़कियाँ दिखाई दे रही होती हैं। अब ये दोनों लड़कियाँ और कोई नहीं, सिया और सनी होती है। वो कह रही थी क्या सिया फैमिली की डॉटर, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं सिया फैमिली इसे सपोर्ट तो नहीं करना चाहती। लेकिन नहीं यार, वो तो तियानजन ग्रुप को शट डाउन करना चाहती है, फिर ये आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। अब हम देखते हैं ये लड़की अपने नाखून ही कुतर रही होती है और कुछ भी नहीं। फिलहाल ये दोनों जो कैमरामैन होते हैं ना, वो सारे शूट कर रहे होते हैं, वो कह रहे थे कि ओ वाह दो ब्यूटीफुल वुमेन, ये तो एक एक्ट्रेस है, हाँ हाँ सच में तो स्टार है स्टार। फिलहाल हम देखते हैं सिया कह रही होती है कि क्या तुम इम्प्रेस हो गए हो। सनी भी कह रही थी कि हाँ हमारे ग्रुप ने हमें मना किया था जाने के लिए, लेकिन हम फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल कर आए हैं, तो क्या तुम्हें पता है ये बात। अब सनी भी ये बात बोल रही होती है, बट हम देखते हैं इचन कह रहा होता है कि हाँ ये तो मेरा दिल छू कर चला गया, मैं तो आज मरने वाला हूँ। अब इचन भी यहाँ पे फ्लर्ट वगैरह कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि सच में मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आ गई, वैसे तुमने सारा जो अटेंशन है ना वो अपने ऊपर ही पाल लिया। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब बातें कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं सिया बोलने लगती है कि चलो हम पीछे लेके खड़े हो जाते हैं क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब वो ये बात बोल के जा चुकी होती है, तभी हमें एक कार दिखाई दे रही होती है जो कि आ रही होती है। अब बातें कर रहे होते हैं लोग बाग जो वो होते हैं फोटोग्राफर होते हैं, वो कह रहे थे कि देखो कोई आ रहा है। अब ये और कोई नहीं, ये डुओ होता है। अब ये मैं बता दूँ तुम लोग को, ये रॉयल क्लब का मालिक है। फिलहाल ये आ चुका होता है, लोग बाग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि अरे ये डुओ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो नंबर वन पर्सन है ना जैंग चैंग का, हाँ रॉयल क्लब का इंचार्ज, क्या ये सच में इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए आया है, ओह नो सच में क्या तियानजन ग्रुप इनके इतने क्लोज आ चुके हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये तियानजन ग्रुप नंबर वन और नंबर टू के अलावा और कोई इनसे टच नहीं कर सकता डुओ को। अब लोग बाग आपस में यही बातें कर रहे होते हैं, सैन हम देखते हैं सैन भी यहाँ पे हैरान हो चुका होता है, वो कह रहा था कि डुओ डुओ यहाँ क्या कर रहा है, ओ माई गॉड मास्टर आपने सच में इसे कैसे बुला लिया, ये तो ई डुओ है कसम से। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन आता है, कह रहा था कि मास्टर ही कॉन्ग्रेचुलेसन, इन फ्यूचर आपकी जो कंपनी है ना ये ग्रुप बहुत पैसा कमाएगी, आपको ऑल द बेस्ट। इचन कह रहा था कि थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं सनी भी यही बात सोच रही होती है, कह रही थी कि क्या इचन आखिर सच में इसे इन्वाइट करके इन्वाइट कर लिया कैसे। सिया भी यही बात बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ मुझे तो नहीं पता, वैसे फोर क्लैन का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है ये। तभी ये पर्सन बोलने लगता है कि मिस्यू देखो कहीं तियानजन ग्रुप के पीछे डुओ ही तो नहीं है। वो कहने लगते कि मेरे को नहीं पता सच में, कहीं उस दिन ये रॉयल क्लब आया था, हो सकता है कि उस दिन की वजह से हो। तभी हमें दिखाई देता है पीछे दो कार आ रही होती है। अब लोग आपस में बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि देखो उधर दो कार और आ रही है। अब उसकी नंबर प्लेट देखे ना ये लोग शॉक्ड हो चुके होते क्योंकि भाई नंबर प्लेट में 001 और 002 लिखा होता है। वो कह रहे थे कि वाह लाइसेंस प्लेट नंबर वन तो देखो, ये तो सच में जैंग जैंग के नंबर वन और नंबर टू हैं, ओ नो। अब भाई साहब जितने फोटोग्राफर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। अब वो कह रहे थे कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं, अब वो बंदा बोल रहा होता है कि ओ नो माई गॉड कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये तो एक्चुअली में नंबर वन और नंबर टू है। अब यार ये जेंग चेंग के नंबर वन नंबर टू होंगे, बट वो कह रहा होता है कि यह सच में टेंजन ग्रुप ने इन लोगों को भी इनवाइट कर दिया, कोई मुझे एक्सप्लेन करे आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी हमें एक कार और दिखाई दे रही होती है, लोग बाग फिर से आपस में बात कर रहे होते, कह रहे थे कि ये तो साउथ वेस्ट की कार लग रही है, वो भी आर्मी वाली, नहीं कसम से ये लुओ है, ओ नो। अब ये लोग फिर से पागल, वो कह रहे होते कि भाई ये पर्सन आखिर टेंजन ग्रुप का ओरिजिन कहाँ से है, इसे मिलिट्री भी सपोर्ट कर रही है, ओ नो ये तो चार जंग जंग की फैमिली को अकेले निपटा सकता है, इतनी स्ट्रेंथ है इसके पास में। तभी एक कार और आती है, अब वो बंदे बात कर रहे होते, कहते हैं कि आखिर ये लग्जरी कार कौन है। तभी हम देखते हैं इसमें से एक लड़की बाहर निकलती है, अब ये लड़की और कोई नहीं है सिया फैमिली की वो होती है हेड होती है। अब ये कह रही थी कि हैं आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ज़रा चेक करके बताओ आखिर ये लोग है कौन, क्योंकि सिया फैमिली ने इन लोगों को वार्निंग दी थी और फिर भी ये लोग यहाँ पर आ गए, इनकी हिम्मत कैसे हुई। फिलहाल हम देखो यार आंटी की जो बॉडी फिगर है वो कुछ ज़्यादा ही मस्त है, मुझे लग रहा है आंटी सच में बहुत ज़्यादा जिम वगैरह जाती हैं। फिलहाल हम देखते हैं उनका जो लीडर वो जो सेक्रेटरी होता है ना वो बंदा चेक वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। वो आंटी पूछ रही होती कि क्या पता लगाया तुमने, वो पर्सन बताने लगता है कि हाँ मैंने पता लगा लिया है, देखो वो डुओ ई है रॉयल क्लब का और जेंग चेंग नंबर वन नंबर और नंबर टू और है और लियो भी है वो कि मिलिट्री का है,
वो बता रहा होता है कि डुओ का तो हम कुछ कर नहीं सकते और मिलिट्री वाला भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वो बाली बैंक का ग्रुप का है और वो कमांडर इन चीफ है। अब वो ये सारी बात बता देता है। वो कह रहा होता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, आखिर ये लोग पर्सनली इनसे मिलने के लिए आए या फिर वो पर्सनली शामिल हुए या फिर इनके पीछे कोई और फोर्स है। फिलहाल हम देखते हैं, वो आंटी भी बता रही होती, कह रही होती कि हाँ मैं किंग जेंग चेंग को तो जानती हूँ और बाली बिंग को भी जानती हूँ, हम लोग उनसे इतने क्वालिफाइड नहीं कि हम लोग उनसे इन्वॉल्व कर सके, लेकिन आखिर लुओ ठीक है, मैंने ई चेन को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि उसने इसे बुला दिया है, कसम से मैं समझ नहीं पाई। फिलहाल हम देखते हैं, वो यही बातें बोल रही होती है, और भाई मुझे तो आंटी मस्त लग रही है वैसे। फिलहाल हम देखते हैं, वो यही बात बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ मैं मानती हूँ उन लोगों, वो लोग आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को पनिशमेंट तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। देखो मैं इन लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन नंबर वन और नंबर टू का तो ज़रूर मैं कुछ कर सकती हूँ, इन लोगों को अपनी हमारी फैमिली से निकाल दो, ठीक है। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं ये आंटी जो कि सिया फैमिली की हेड होती है, वो आ चुकी होती है इन लोगों के पास और फ्लावर वगैरह देने के लिए आ रही होती है। फिलहाल कैमरामैन जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि ओह ये तो सिया फैमिली की हेड है ना, क्या ये भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई हैं। तभी हम देखते हैं ये आती है, कह रही होती कि मिस्टर ई आप बहुत टैलेंटेड हो और इतने यंग, वैसे मैं आपके लिए फ्लावर लेके आ रही थी लेकिन शॉप पर फ्लावर ख़त्म हो गया, तो मैं आपको ये प्रीसियस गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिलहाल हमें गिफ्ट के अंदर ना एक सैनकाई टोंगसी दिखाई दे रहा होता है जो कि भाई पैसों की बर्बादी करता है, लाइक इसका नाम होता है पैसों की बर्बादी करने वाला लड़का, अब इसे चाइना में ये सब बोला जाता है। फिलहाल कैमरामैन वाले कह रहे थे कि हा, देखा मैंने तो कहा था ना सिया फैमिली किसी से नहीं डरती, ये अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। फिलहाल सिया भी कह रही थी कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है मॉम। सनी भी कह रही थी कि हाँ आखिर ये इस टाइम पे ये चीज़ कौन देता है, बताओ जरा मुझे। तभी हम देखते हैं वो आंटी से देखती, कह रही थी कि सिया देखो तुम आखिर सिया फैमिली को अभी भी कंसिडर करती हो ना, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी आउटसाइडर के साथ में किसी की साइड में रह के, बताओ। और सनी तुम, डायरेक्टर सन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें काम पे नहीं जाना क्या है, ग्रुप में काम वगैरह नहीं है, तुम कल से जाना ही मत, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं सनी भी कह रही होती कि देखो मुझे भी कोई काम नहीं करना और जो भी तुमने कहा मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़की भी यही बात बोल रही होती चिल्ला के। तभी हम देखते हैं वो आंटी गुस्से में आ जाती है, वो कह रही थी कि इसे सबक सिखा, ये बहुत बोल रही है। अब हम देखते हैं वो अपनी सेक्रेटरी से बात बोल रही होती है मारने की। अब वो पर्सन आता है आगे, अब वो मुक्का मार रहा होता है सनी को बहुत तेज़ी से। तभी हम देखते हैं बीच में ईचैन आ जाता है, वो रोक लेता है। अब वो कह रहा होता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि आज खून खराबा हो जाए, ठीक है, इस इवेंट पे, और नहीं तो तुम साइड हो जाओ, ठीक है। फिलहाल ईचैन ये बात बोल रहा था तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, एक पर्सन हंस रहा होता है, कह रहा था कि हा, सिया फैमिली इतनी स्ट्रांग हो गई है क्या जो अब हमारे रहते हुए पंगे लेगी, हैं बताओ क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक हाथ से इस पूरे स्काई को कवर कर सकती हो, हैं। अब ये फूलू होता है जो कि जो फैमिली का यंग मास्टर होता है। तभी हम देखते हैं सैन हैरान हो जाता है, वो क्या रहता है कि क्या जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो फूलू आ जाएंगे यहाँ पर, और वो ज़रूर आ गए। फिलहाल सिया भी पूछ रही होती, कह रही थी कि जो फैमिली आखिर ये भी यहाँ पर कैसे आ गए। ईचन क्या रहता है कि देखो लास्ट टाइम ना हम लोग मिले थे तो लास्ट टाइम मेरी इनसे फाइट हो गई थी बस, और इसीलिए मैंने इन्हें बुला लिया, वैसे हम लोग फाइट में इन्वॉल्व तो हो गए थे। तभी हम देखते हैं वो आगे आता है और क्या रहता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन टेंजेंग ग्रुप ओपन करने के लिए। ईचन क्या रहता है कि देखो पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं फुलू उसे देखता है और वो जो गिफ्ट होता है ना उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तू हमारे सामने ज़्यादा बोलेगा है। अब वो बोल रहा होता है, क्या रहता है कि क्या तू सच में कैनकाई देना पसंद करेगा। हम देखते हैं वो चार्ट आउट आता है और उसके गिफ्ट जो गिफ्ट होता है ना उसमें थप्पड़ दे के मारता है। अब वो थोड़ी देर में गिफ्ट जो कि नीचे गिर चुका होता है पूरा टुकड़ा टुकड़े हो चुके होते हैं उस गिफ्ट के। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन खड़ा खड़ा रह जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि भाई ये मिलिट्री वाला बंदा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सिया वाली जो कि बहुत परेशान हो चुकी होती है, वो कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या ये तुम्हारी इच्छा या फिर जो फैमिली की इच्छा है, बताओ मेरे खिलाफ जाने की। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा, मतलब जो आंटी होती है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, एक पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम फुल्लू को हमारी फैमिली के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती हो, क्या मानती हो उसे हमारी फैमिली में, बताओ। अब ये ओल्ड मैन होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पुराने, ये वही वो होते हैं जो जिनकी जान बचाई थी ईचैन ने, वो कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि लीव कर देना चाहिए, है ना। तभी हम देखते हैं वो लड़की सॉफ्ट हो जाती, कह रही थी कि ओल्ड मैन आप यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रहे होते हैं कि ईचैन ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और तुम इनकी फैमिली, तुम ईचैन के खिलाफ जाना चाहती हो, इसका मतलब तुम मेरे खिलाफ़ जा रही हो। अगर तुम्हारा हस्बैंड भी आ जाए ना तब भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी फैमिली के खिलाफ जा पाए। ये लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, लाइक जो आंटी है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती हैं। वो कह रही थी कि हमारे पास पैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन पावर बिल्कुल भी नहीं, सिया फैमिली का बिजनेस है बट जो फैमिली उनके पास बहुत पावर है।
अब यही बात सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हुई थी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो अपनी सेक्रेटरी से कह रही थी कि चलो चलते हैं हम यहाँ से। अब हम देखते हैं वो जाने लगती हैं। अब वो उसका बंदा वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है फिलहाल हम देखते हैं। ईच एंड थैंक यू बोल रहा होता है मिस्टर जो का। वो कह रहा था कि अरे कुछ भी नहीं, वो तो तुम ही थे जो मेरे को लेकर आए, है ना। तभी हम देखते हैं ये जो चूसुरैन होती है ना, वो इन सबको फ्लावर देख के ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती है। वो कह रही थी कि अरे यार मैं क्या करूँ, ई चैन सच में बहुत पावरफुल निकला, यहाँ तक कि चो फैमिली भी उसे सपोर्ट कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, चो फैमिली तो कुछ भी नहीं है यार, वो तो उसे टच ही नहीं कर सकती, हिम्मत ही नहीं है टच करने की। फिलहाल हम देखते हैं वो दुखी होके जा रही होती है। और हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना जो कि ज़्यादा ही बोल लेते हैं, वो कह रहे थे कि मिस चू आप कहाँ जा रही हैं, मैं क्या करूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की उसे लात दे के मारती, कह रही दफ़ा हो जाए यहाँ से बुड्ढे। अब हम देखते हैं ये पर्सन नीचे आके गिर चुका होता है, कह रहा था कि अब सब खत्म मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है ये पर्सन। कह रहा था कि नहीं नहीं एक मिनट अभी भी एक होप है। वो अपने दोस्त को देखता है, कह रहा था कि सैन हुआ भाई, भाई मुझे माफ़ कर दे भाई, देख मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। अब हम देखते हैं वो सारी पोल खोल देता है चू फैमिली की। वो कह रहा था कि वो चू फैमिली थी जिसने मुझे ये सब करने के लिए कहा, यार तू मारना, मैं तो तुझे अपना भाई मानता हूँ, अपने भाई जैसा ट्रीट करता हूँ, मैं क्या करूँ तू बता मुझे। तभी हम देखते हैं सैन उसे लात दे के मारता है, कह रहा था कि तू निकल जाए यहाँ से साले विलन कुत्ते, तू मेरे को भाई मानता, चल दफा हो यहाँ से। अब वो भी लात मार चुका होता है इसे। फिलहाल हम देखते हैं ये सारे लोग इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल ये लोग हंस रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ अगर आप लोग नए हो तो चैनल पर लाइक कर दो, सॉरी सब्सक्राइब कर दो।